इस एनसीईआरटी चैप्टर का यानी सॉल्यूशन चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 2.8 और 2.18 करने जा रहे हैं। 2.18, 2.38 की तरह आपको वेबर फेज में मूल फ्रैक्शन निकालने के लिए सिखाएगा। यानी कहने का मतलब आप जब इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2.8, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप इसको मतलब इस क्वेश्चन में दो बार मूल फ्रैक्शन निकालना है, एक बार लिक्विड फेज में और एक बार वेपर फेज में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का एक एक वर्ड समझने ध्यान दिया जाए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.8 है, इंटेक्स का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दिया जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड है ए और बी, ध्यान दिया जाए, समझिए, दो लिक्विड पेयर है ए और बी, दो लिक्विड पेयर से यह सॉल्यूशन बना है। दोनों का अपना अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, इट मींस पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग प्योर स्टेट में 450 एंड 750, और दोनों के इंटरमिक्सिंग से सॉल्यूशन स्टेट होने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद भी इसका जो मिक्सर का वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, यह भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 350 केल्विन पर दोनों इंडिविजुअल लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर पता है, और दोनों के मिक्सिंग के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर ओरिजिनेट होता है वो 600 एमएम का। इतना सुनाने के बाद यहां पर पूछा जा रहा है कि कंपोजिशन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड में दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन, इट मींस मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, लेकिन लिक्विड में, और उसके बाद क्या करा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन, एक बार फिर से कंपोजिशन इन द वेपर फेज, यानी वेपर फेज में फिर से मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो दो राउंड आपको सिर्फ और सिर्फ पीएस, पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान दिया गया है, इसके अलावा ना किसी का मास पता है ना किसी का मॉलिक्यूलर मास पता है, दोनों में से कुछ नहीं पता है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है लिक्विड फेज में एक से एक्स बी का वैल्यू, और आपको फिर वेपर फेज में जाकर एक्स ए डैश और एक्स बी डैश, यानी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। तो चलते हैं पहले लिक्विड फेज में निकालने। तो लिक्विड फेज में निकालने के लिए आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, पी एस इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। दोनों लिक्विड पे लिक्विड के कंपोनेंट्स जो है वो वेपराइज होने लायक है, तो पीएस का वैल्यू दिया गया है, और यहां पर पी नॉट ए का भी वैल्यू पता है हमको, यहां एक्स बी के जगह हम लिख सकते हैं 1-6a, तो यहां पर पीएस का मान है 600, टोटल इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 450 है, इसको एक्स के जगह एक्स ए हमने लिखा, लेकिन यहां पर 750 दिया हुआ है, और ये जो है इसका वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 1-xa, और इस तरह से यहां पर ये हो गया 450 इंटू एक्स ए, से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है, इसको अलग लिख दिए, ठीक है। तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है, एक्स ए का वैल्यू, तो एक्स ए का वैल्यू यहां पर आएगा, और फिर उसके बाद एक्स बी का वैल्यू निकालने के लिए 1- क्या कर देंगे, एक्स ए, तो एक्स ए और एक्स बी यहां निकल जाएगा, कहां, लिक्विड फेज में। अब आपको वेपर फेज में निकालना है, तो वेपर फेज के लिए फिर से मेहनत करना होगा, आपको चलना होगा पार्शियल प्रेशर निकालने दोनों कंपोनेंट का। जैसे कल पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 2.38 समझाते समय हमने वेपर फेज का मूल फ्रैक्शन निकाला था वेपर फेज में बेंजीन का, वैसे यहां पर भी देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां पर हमको एक्स ए और एक्स बी का मान कोई बता सकता है, एक्स ए का मान यहां हल करने पर 0.2, तो ये हो जाएगा कितना, 0.8, तो हो गया दोनों मूल फ्रैक्शन। लेकिन पता है ये एक आंसर हो गया लिक्विड फेज में, अब हम वेपर फेज में निकालना चाहते हैं, तो वेपर फेज में जब तक से दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर नहीं निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो दोनों का निकालने चले,
यहां पर पार्शियल प्रेशर इसका कितना दिया है 450 इंटू 0.2 और यहां पर हो गया 750 इंटू 0.8 यहां मल्टीप्लाई करके कितना 0.5 आ रहा है। ये कैलकुलेशन आप लोग किए हैं 0.5 सही है ये चलिए ये रहा आपका 0.5 आ रहा है दोनों 0.5 और 0.5 ही आ रहा है देख सकते हैं। चलिए तो यहां पर ये वाला था ना तो एक्से का वैल्यू बोर्ड पर ध्यान दिया जाए यहां पर एक्से का वैल्यू 0.5 और ये आपका हो गया फिर से 0.5 घटकर 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5 से मल्टीप्लाई होकर कितना कितना हो जाएगा बोलिए 200 और उसके बाद पीबी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी बोर्ड पर ध्यान देंगे यहां एक्से का वैल्यू 0.5 एक्सबी का वैल्यू आ गया। ये वेपर फेज लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है इट मींस कंपोजिशन है। अब हम वेपर फेज में निकालने जा रहे हैं यहां पर तो इसके लिए दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा पी नॉट एक्से और पी नॉट बी एक्सबी फॉर्मूले की सहायता से। पी नॉट बी का वैल्यू है 750 एक्सबी का वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई करने पर 375 और अब हम लोग को दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन इट मींस कंपोजिशन निकालना है। दोनों का हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल चुके हैं और पार्शियल प्रेशर ही हेल्प करेगा वेपर फेज में। यहां देखा जाए वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकलने जा रहा है तो ये हो गया पीए अपॉन पीए प्लस पीवी और यहां पर राउल्स लॉ से आप समझ चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल के टर्म में ना निकालकर हम यहां प्रेशर के टर्म में निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 225 प्लस 375 तो ये 225 अपॉन 600 और इसको सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद x आप 1 में से भी घटाकर ला सकते हैं तो 1 में से भी घटाकर ही ला दे रहे हैं। चलिए इतना आ रहा है 0.3 देखा जाए कितना आ रहा है पता लगाइए 0.3 ये लगभग 0.7 अप्रोक्सिमेट कितना रहा है 0.37 इसलिए 0.3 तक ही केवल ले लिए जान दीजिए और ये 0.7 हो गया। तो ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आया कंपोजिशन आया और ये आया आपका जो शुरू में एक्स और एक्स बी का ये जो वैल्यू आया ये लिक्विड फेज में। अब एक बार फिर से एक मिनट में पूरे क्वेश्चन को समझा जाए। एक सॉल्यूशन बनाया गया दो लिक्विड पेयर से ए और बी से दोनों का अपना अपना प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो आपको लिक्विड फेज में कंपोजिशन बताना है और फिर उसके बाद वेपर फेज में कंपोजिशन बताना है बस यही क्वेश्चन है ये आपके भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग चले वेपर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने इट मींस कंपोजिशन निकालने तो कुछ नहीं पीएस इक्वल पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट ए और पी नॉट बी का मान का यूज करते हुए हम यहां एक्स ए का मान निकाल लिए क्योंकि एक्स बी की जगह पर भी हमने लिख दिया 1-x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 450 एक्स ए प्लस 750 माइनस 750 एक्स ए हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा ठीक है और इसको हम लोग उधर भेज देंगे और फिर उसके बाद एक्स ए इक्वल निकालेंगे तो ये आएगा फाइनल और एक्स बी का मान 1 घटाकर और इस तरह से दोनों का लिक्विड फेज में कंपोजिशन निकल गया। वेपर फेज में निकालने के लिए दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और पार्शियल प्रेशर के टर्म में यहां मोल फ्रैक्शन निकालने का बात किया गया है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके पार्शियल प्रेशर को ऊपर रखेंगे और टोटल पार्शियल प्रेशर नीचे यानी दोनों का सम और इस तरह से दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकल गया। चलिए अब जरा सा एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे और तब आप लोग को लिखना होगा तो लिखेंगे बट पर ध्यान दिया जाए एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.18 ध्यान दिया जाए कैलकुलेट द मास
ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है, गिवन मास निकालना है। जल्दी से बता दीजिए गिवन मास को किसी से लिखते हैं, डब्ल्यू ए। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का गिवन मास निकालना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला है। उसके बाद विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, सॉल्वेंट के रूप में कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा है ऑक्टेन में, और ऑक्टेन के कितने ग्राम में, 114 ग्राम में। बता सकते हैं ये क्या है 114, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी, और नाम लिया है ऑक्टेन। तो ऑक्टेन नाम लेने से हम एम बी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 12 इंटू ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला सी एट, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एट, 1 इंटू 18, 114। तो इतना चीज हमको पता है। और आगे क्या कर रहा है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है 80%, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80 हो जा रहा है, यानी 100 से घटकर कितना 80, यानी 20% कम हो गया। तो आपका फॉर्मूला है यहां क्या निकालना है, यह निकालना है डब्ल्यू ए, और आपके पास एक फॉर्मूला है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल डब्ल्यू ए इंटू एम बी एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यह मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोष्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख पाएंगे एम ए इक्वल 40। और अब जरा बोर्ड पर समझा जाए, कुछ हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहेगा कि वेपर प्रेशर इतना घटकर हो जाता है, तो इनिशियल यानी शुरू में आप क्या लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले सॉल्वेंट लेते हैं, और सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 100, परसेंटेज का मतलब कितना होता है। और इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही डाल रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर घट के कितना रह गया 80/100। अब इसको आप सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा मॉलिकुलर मास 40/140। ये पूरा ये आ गया 20, इसको भी कटा दे रहे हैं, 1/5 आ जाएगा। चलिए बोला जाए क्या होगा, यहां पर हो गया 20/100 और ये हो गया डब्ल्यू ए बाय 40। डब्ल्यू ए इक्वल 20 × 40/100, सही है कैलकुलेशन। चलिए अब सभी स्टूडेंट अब बना लीजिए अच्छे से, इसमें याद रखिएगा इस क्वेश्चन में समझने लायक बात यही था कि परसेंटेज जब भी रहेगा तो आप ये समझिए कि ये एक सॉल्यूशन था, मतलब सॉरी ये एक सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हमने 100 मान लिया, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ रहा है तो इसके वेपर प्रेशर को घटाकर कितना कर दे रहा है 80, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वेपर प्रेशर हो जा रहा है 80 और पहले से था 100। उसको बना लीजिए,